हेलो हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले जीके एंड जीएस का मॉक टेस्ट 6। ठीक है, शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात आपसे करना करना चाहूंगा। गाइस, इंपॉर्टेंट बात ये था, अगर आप एनडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके जो एकेडमी की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बैच लॉन्च हुआ है, पैंथर। ठीक है, इस बैच को लॉन्च हुए मतलब ज्यादा दिन नहीं हो रहा, बस ये कल ही लॉन्च हुआ था 29 दिसंबर को, और आज है क्या आपका 30 दिसंबर। ठीक है, तो गाइस इस बैच को मैं क्यों आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज इस बैच में पढ़ के पिछले वाले बैच में जो एनडीए का एग्जाम हुआ था, इन टीचर से पढ़ के 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने रिटेन क्लियर कर रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बैच में एक बार पढ़ो और आप भी अपना रिटेन क्लियर करो। ठीक है, आपको यहाँ पे बैच का दिन दिख रहा होगा कब से स्टार्ट है, 29 दिसंबर से, और ये बैच खत्म होगा 30 मार्च तक, मतलब टोटल 90 डेज का ये बैच है। अगर आप इस पे रेफरल कोड यूज करते हो ए टू जेड स्टडी का, तो बैच का जो भी फी होगा उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वो रेफरल कोड क्या ही है, ए टू जेड स्टडी 10% का ऑफ। ठीक है, अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो यहाँ पे समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इस क्लास में एनरोलमेंट लोगे तो इंटरफेस कुछ इस टाइप का दिखेगा, और ये 3 मंथ का अगर ये बैच है, तो आप 3 मंथ का अगर लेते हो सब्सक्रिप्शन इसका अनकेडमी का, तो 4,000 फी दिख रहा है, बट आपको 4,000 नहीं देना है। अगर 12 मंथ का ले रहे हो तो 8,000 नहीं देना, देना कितना है, यहाँ पे देखो लिख रहा है हैव अ रेफरल कोड, इसमें आपको यूज कर लेना है ए टू जेड स्टडी। अब बोलोगे किस तरीके से, तो इस तरीके से देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है उस तरीके से, फिर प्रोसीड टू पे कर, और देखो सारा का सारा फी कम हो गया, 4,000 का जो है था 3,600 का, और जो 8,000 का था 7,200 का। ठीक है, तो गाइज इसी तरीके से आपको क्या करना है, एनरोलमेंट लेते टाइम इस चीज का ख्याल रखना है कि आपको ये रेफरल कोड को यूज करके एनरोलमेंट लेना है। और हाँ गाइज, चलो अब देखते हैं आज के मॉक टेस्ट को, और सभी का बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके बैच को चेकआउट कर सकते हो, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे ए लाल, बी है काला, सी है पीला और डी है नीला। तो अब आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। इसका कहने का मतलब है कि जब हम पृथ्वी से आकाश की तरफ जाते हैं, यानी वायुयान पर, जब वायुयान पर, तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी काला दिखाई देगा। ठीक है, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, अत्यधिक ऊंचाई से आकाश को देखने पे हमें आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त, है ना, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच का जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है। 1 मिनट का होता है कि 2 मिनट का होता है कि 3 मिनट का, 4 मिनट का, बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 मिनट का होता है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच का जो समय होता है वो होता है 2 मिनट। ठीक है, तो चलिए अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में क्या होता है, मतलब मानव नेत्र में होता है क्या, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस की अवतल दर्पण। ठीक है, इसका जो सही आंसर है आप बताइए। ठीक है, देखिए जो मानव नेत्र है ना, मानव नेत्र में, मानव नेत्र जो है किस लेंस की भांति काम करते हैं ये बताइए आप। मानव नेत्र किस लेंस की भांति काम करता है, तो है उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर होगा, है ना, मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति काम करता है। और हाँ, आप सेट लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, सेट लगाइए, और जिसका जितना मार्क्स आ रहा है वो कमेंट में आप शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन, एक बात और करना चाहूंगा कि कल हमने आपको चिपको आंदोलन के बारे में बताया था, है ना, चिपको आंदोलन के बारे में, है ना, और वो गलती से टाइप हो गया था 1972। ठीक है, लेकिन जो उसका सही आंसर होगा होगा 1973। चिपको आंदोलन जो हुआ तो हुआ 1973 में, और किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे किया था, इस आंदोलन को शुरू किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, है ना, पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो देखिए इससे पहले हम एक बात और जान लेते हैं पाल वंश के बारे में। पाल वंश जो है बंगाल और बिहार, ये दोनों मतलब ये शासन क्षेत्र था उसका, पालवंश का शासन क्षेत्र बंगाल और बिहार था। ठीक है, और इसका जो स्थापना हुआ था वो था 1770, 750 ईस्वी से
है ना, स्थापना हुआ और 1174 ईस्वी तक ये चला, और इसके जो संस्थापक थे वो थे गोपाल, है ना। इसलिए ऑप्शन जो होगा हमारा सी नंबर से होगा, गोपाल, पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। आप बताइए, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बोलिए, ठीक है। तो चलते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, है ना। वो शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, ठीक है। ऑप्शन ए राणा कुंभा, बी है राणा संगा, और सी है राणा हमीर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राणा संगा। राणा संगा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब देखिए, राणा संगा जो था मेवाड़ का राजा था, मेवाड़ का राजा, है ना। मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा संगा। और इन्होंने विजय स्तंभ को कब बनवाया था? ये बनवाया था 1437 में, है ना, 1437 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में किया था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के, यानी खिलजी के नेतृत्व में इन्होंने विजय स्तंभ को बनवाया था, ठीक है। और विजय स्तंभ का जो वास्तुकार थे वो राव जैता थे, है ना, राव जैता, राव जैता वास्तुकार थे इसके बनाने वाले, ठीक है। और बनवाया था किसने? मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने। ये विजय स्तंभ बनाया गया था विजय के उपलक्ष्य में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाला, जो लिंगराज मंदिर है उसकी नींव किसने डाली थी, यानी उसको किसने बनवाया, ठीक है। तो देखिए, ये जो लिंगराज मंदिर है वो है उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये मंदिर है। और ये मंदिर जो है ये भगवान भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है, त्रि भुवनेश्वर को समर्पित है, ठीक है। और इसे बनवाया था ययाति केसरी ने, ठीक है। इस मंदिर को नींव किसने डाली? ययाति केसरी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था, ठीक है। गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। ये जो है आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। अगर आप नहीं बताइएगा तो कल हम इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति का, मतलब भारत के जो राष्ट्रपति हैं, वो अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करेंगे। भारत के राष्ट्रपति को अगर अपने पद से त्याग करना होगा तो अपना त्याग पत्र किसे देंगे, है ना, यानी किसके समक्ष, यानी किसको पेश करेंगे। तो है उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, भारत के मुख्य न्यायाधीश की, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को ये क्या करेंगे? अपना त्याग पत्र देंगे। और ये जो है उपराष्ट्रपति को अगर पद त्याग करना होगा तो ये देंगे राष्ट्रपति को, ठीक है। ये दोनों अपने में अदला बदली करते रहते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं आएंगे, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो ये मुख्य न्यायाधीश को देंगे, अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन देगा त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करेंगे तो होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति के समक्ष पेश करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? 13 मार्च, 15 मार्च, या 24 मार्च, और 24 अक्टूबर, और 15 अक्टूबर। अब बताइए, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1948 में, ठीक है। यहां तक अगर अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है?
अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो स्थापना हुआ था योजना आयोग का, वो हुआ था 15 मार्च 1950 को, ठीक है। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, यानी जेल जवाहरलाल नेहरू इसको मानिए, ठीक है। और इसको 13 अगस्त 2014 को इसका नाम बदल करके हम नीति आयोग कर दिए, नीति है ना, नीति आयोग, योजना आयोग का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, नीति आयोग। अब बताइए यहां से तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत के, यानी मतलब योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग के अध्यक्ष जो होंगे वो होंगे प्रधानमंत्री, ठीक है। और इसका स्थापना बोलेगा तो 15 मार्च 1950 को, और नीति आयोग की कब बदला गया, नीति आयोग में इसे बदला गया 13 अगस्त 2014 को, और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यहां तक इतना सारे क्वेश्चन क्लियर हुए, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में आकर के आप जरूर पूछिए, ठीक है। और हाँ, किसने कितना सेट लगाया, किसने किसका कितना नंबर आया, वो कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि ये पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, ठीक है। तो चलते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ऑंकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ऑंकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ए है पक्षियों का, बी है कैंसर का, सी स्तनपायी प्राणी का, कि भूमि का, ठीक है। देखिए ऑंकोलॉजी में हम अध्ययन करेंगे किसका, कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ऑंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो बी। और पक्षियों का अध्ययन किया जाता है एर्निथोलॉजी में, एर्निथोलॉजी में, ठीक है, एर्निथोलॉजी। और भूमि यानी मिट्टी का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है किसका, पेडोलॉजी में, है ना, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी, और पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, और जो ऑंकोलॉजी है ऑंकोलॉजी में अध्ययन करेंगे कैंसर का। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बोलिए, ठीक है। तो चलते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है, यानी जो हड्डी है, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं, ऑप्शन ए ओरोलॉजी, बी है ऑस्टियोलॉजी, सी है सेरोलॉजी, और डी है जियोलॉजी। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, ऑस्टियोलॉजी, यानी अस्थियों का अध्ययन जो होता है वो ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। अस्थियों का अध्ययन हम कहां करेंगे, अस्थियों का अध्ययन करेंगे ऑस्टियोलॉजी में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, ठीक है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, 3%, 4%, 2% और 5%, इन ऑप्शन में से देख के आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए चलिए देर ना करते हुए बताते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2%, है ना, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 2%, ठीक है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए हम कार्बन का प्रयोग, ये क्वेश्चन हमारे ये देगा कि इस्पात को कठोर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इस्पात को कठोर करने के लिए हम कार्बन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जितना ही उसमें अधिक कार्बन होगा वो इस्पात क्या होगा, उतना ही अधिक कठोर होता है, यानी हार्ड होता है, मजबूत होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जस्ता के अयस्क क्या है, मतलब जस्ता के अयस्क इनमें से कौन है, ए है जिंक ब्लेड, बी है बॉक्साइड, और सी है सिनेबोर, सी है सोडियम क्लोराइड, और डी है सिनेबोर। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए जस्ता का जो अयस्क है वो कौन सा है, जिंक ब्लेड, है ना, जिंक ब्लेड। जस्ता के अयस्क को हम जिंक ब्लेड कहते हैं, यानी जस्ता किससे प्राप्त किया जाता है, जिंक ब्लेड। और बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का, ठीक है, जस्ता जिंक ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से है ना, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो ए है मैग्नीशियम, बी है सल्फर, डी है सोडियम, और सी है सोडियम, और डी है क्रोमियम। अब बताइए जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा। देखिए चाकू से आसानी से काटे जाने वाला जो धातु है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी सोडियम। सोडियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं ऐसा करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, अगर कोई दिक्कत है तो आप जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16, ये हमने आपको पहले भी बता चुका है,
है ना, कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, और आप कमेंट में इसको बताइएगा है ना कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो कल हम इसको अगले सेट में बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला है कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत भाग पे मेंटल पाया जाता है, ठीक है। मेंटल कितने प्रतिशत भाग पे पाया जाएगा, ठीक है। ए है 40%, बी है 45%, सी है 68% और डी है 90%। तब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% भाग पे मेंटल पाया जाता है, कुल द्रव्यमान का, यानी पृथ्वी का जितना द्रव्यमान है उसका 68% भाग पे मेंटल पाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है, उपसौर है ना। देखिए उपसौर क्या होता है, उपसौर एक ऐसी स्थिति है कि जब पृथ्वी सूर्य के बहुत ही निकटतम होती है। नहीं 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 देखिए ये जो उपसौर्ज होता है ना, उपसौर्ज में क्या होता है, सूर्य पृथ्वी के बहुत दूर स्थित होता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, उपसौर्ज है ना, हमें ज्यादा गर्मी की अनुभव नहीं होती है, ज्यादा गर्मी अनुभव नहीं होगी। ये जो घटना है कब होता है, 3 जनवरी को, यानी जनवरी महीने में उपसौर्ज की घटना जो होती है वो कब होती है, जनवरी में। और अपसौर्ज, अपसौर्ज जो होता है, अपसौर्ज कब होता है, 4 जुलाई को, ठीक है। उपसौर्ज की घटना जो होगी वो जनवरी महीने में 3 जनवरी को होती है, ठीक है, 3 जनवरी को। और अपसौर्ज की जो घटना होती है वो होती है 4 जनवरी को, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया। देखिए है ना, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है उसे हम क्या बोलते हैं, सियाल। उसके बाद बोलते हैं सीमा, उसके बाद जो होता है वो है निफे। सियाल, सीमा, निफे, ठीक है। जो सियाल है, सियाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता इसमें होती है, और निफे में जो सियाल सीमा है ना, सिलिका और मैग्नीशियम, निफे में निकल और फेरस, ठीक है। ये जो है सियाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो किया था किसने, आप बताइए, डेली, होम्स, किस्टवेस, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वेस ने, है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो स्वेस ने किया था, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के जरूर पूछिए, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है ISI जो संगठन है पाकिस्तान का, उसका पूर्ण नाम क्या है, है ना। ISI का पूर्ण, ISI का जो पाकिस्तान का एक संगठन है उसका नाम क्या है, ठीक है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटर सॉल्यूशन इंटेलिजेंस की, इंटर सर्जिकल सुधार और अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण, बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ISI का, देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ISI का पूर्ण रूप होता है, ISI का पूर्ण रूप होगा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बाबर के बाबा का नाम क्या था, है ना। इसे तो बहुत अच्छे तरह से आप परिचित होंगे, है ना, बाबर, ये जो था बाबर है, हम बाबर के, अकबर के बाबा का नाम जो था वो था बाबर, यानी ऑप्शन नंबर ए, है ना। अकबर के बाबा का नाम था बाबर, और इसने मुगल वंश की स्थापना की थी, है ना, और इसके मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया, और इसके पिता का नाम था क्या, हुमायूं, और हुमायूं के बेटे का नाम था अकबर, ठीक है। इसलिए अकबर के बाबा का नाम क्या होगा, बाबर, ठीक है, यानी दादा, और पिता का नाम हुमायूं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, है ना। गुप्त काल के सबसे सर्वाधिक जो लोकप्रिय देवता थे वो कौन थे, बुद्ध, शिव, विष्णु, सूर्य, आप बताइए सही आंसर जो है इसका क्या होगा।
देखिए गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो थे वो कौन थे? विष्णु। ठीक है, विष्णु थे गुप्त काल के सबसे अधिक यानी सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए इसका जो स्थापना किया था गुप्त काल का जो स्थापना किया था गुप्त वंश का, है ना, गुप्त वंश की स्थापना किया था श्री गुप्त ने, श्री गुप्त। ठीक है, और इसका जो स्थापना हुआ था 275 ईस्वी में हुआ था, 275 में। ठीक, और इसे हम स्वर्ण, भारत का स्वर्ण युग, भारत का स्वर्ण युग भी बोलते हैं। ठीक है, भारत का स्वर्ण युग भी गुप्त काल को बोला जाता है, और इसी में सबसे अधिक सोने का सिक्का चलाया गया। इसी काल में सोने का सिक्का सबसे अधिक चला, इसलिए हम इसे स्वर्ण युग भी बोलते हैं, इसलिए हम इसे स्वर्ण युग बोलते हैं। और उस समय सोने के सिक्का को कहा जाता था, सोना का जो सिक्का था उसे कहा जाता था दिनार, ना, सोने के सिक्का को क्या बोलते थे? दिनार बोलते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? ए है पानयांग, है ना, बी है पेंचाओ, सी है होटी, और डी है सी हुआंगती। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी पेंचाओ। ठीक है, पेंचाओ ने चीनी जनरल कनिष्क को हराया था। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? देखिए ये जो है रेशम मार्ग, ये क्वेश्चन आपका ज्यादातर पूछता है ना, भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? तो ये किया था किसने? ऑप्शन नंबर बी कनिष्क ने, है ना, कनिष्क। भारत के महान रेशम मार्ग का जो खोज किया था वो किया था किसने? कनिष्क ने। ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के जरूर पूछिए। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, है ना, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ए है एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बी है जेल वेयर्ड और स्टीवेंसन, और डी है न्यूटन। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो टेलीफोन का जो आविष्कार किया था एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, है ना, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, और कब किया था? 1875 में। ठीक है, 1875 में इसका आविष्कार किया गया, प्रसारण हुआ, है ना, इसका आविष्कार कब हुआ? किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अब देखिए जेएल वेयर ने क्या किया था? टीवी का खोज किया था यानी टेलीविजन का, और न्यूटन ने ग्रेविटेशन का, है ना, ग्रेविटेशन का खोज किया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं 25 क्वेश्चन के साथ। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के जरूर पूछिए, और हाँ आप किसका कितना नंबर आया वो शेयर करना जरूर जरूर, मतलब शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही।